अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन एयर। जी फरमाइए। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जो हम आपसे चीज़ें लर्न करते हैं और आपके शो का। मैं असल में फ़ोन कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कोई थोड़ा सा बुरा ख्वाब देखा है अपने बेटे के बारे में। अब मेरे बेटे 5 साल के हैं, तो उन्होंने देखा कि वो किसी स्टोर में गए हैं और हमारा बेटा जो है वो खो गया है, तो वो उसको ढूंढ रहे हैं और बाहर भी कॉप्स को बोला है जाके। तो पाप कह रहे हैं हाँ हमारे पास कुछ लोग हैं जो आए हैं जो गायब हो गए। तो जब कमरे में देखा तो बड़ी उम्र के लोग हैं और हमारा बच्चा नहीं है। और बहरहाल वो बच्चा फिर एक और नजर आया, लेकिन वो फिर हमारा बेटा नहीं था, उसका नाम हादी है। और बस फिर ख्वाब इस तरह से खत्म हो गया। तो प्लीज इसका बताइए कि अगर कोई परेशान कुन बात है या हम कुछ कर सकते हैं इसके ठीक बारे है, में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। माशाल्लाह, बारह ज्यादा ख्वाब का ताल्लुक है, वो बुरा ख्वाब नहीं है। इसमें आप हजरात को ये तंबी और इशारा है कि उसकी अच्छी तरबियत की फिक्र करें, उसकी अच्छी तरबियत में आप कहीं कोताही ना कर जाएं। उसकी अल्लाह तबारक वाता तंबी फरमाई है, तो उसकी जो है कुरान सुन्नत के हवाले से, उसकी दीनी हालत के हवाले से, दुनियावी तालीम व तरक्की के हवाले से आप बिल्कुल कॉन्शियस रहें और उसके लिए अच्छे खतूत और राहें मुतय्यन करें और उसकी अच्छी तरबियत का एहतमाम करें, तो इंशाल्लाह वो बच्चा कामयाब होगा। लेकिन ये अगर आपने इसका लिहाज ना रखा, हो सकता है कि लाइफ के अंदर नाकाम और परेशान हो और ज़ाहिर है उसमें आप हजरात का पूरा जो है वो दखल होगा। इसमें आपको अच्छी तरबियत उसके करने का इशारा है। बाकी वैसे हसब तोहफी सदका दे दें ताकि ज़ाहरी बात नहीं हर तरह की आफतों से हिफाजत रहे। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।